क्या यूएई की एजेंसीज ने आपको ये जानकारी दी थी या नहीं दी थी, ताकि आने वाली सरकार को मालूम हो कि हमारी कूटनीतिक संबंधों को अब दुरुस्त करना पड़ेगा, बहुत कमजोर हो चुके हैं इन 5 सालों में, कि जानकारी ही नहीं दी। और अगर जानकारी दी तो भी बता दें कि हाँ जानकारी दी थी, ताकि हम अपनी एजेंसीज को दुरुस्त कर सकें। जो आने वाली सरकार है उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी कि हमारे यहां की जो एजेंसीज हैं हम उनको दुरुस्त कर लें। दोनों में से एक चीज में गड़बड़ है या दोनों ही में गड़बड़ है, बता दें। 5 साल आपने इस देश को इन भगोड़ों के द्वारा बहुत लूटने दिया, ये कर्ज है आपके कंधे पर, आप ये उत्तर दे दीजिए आने वाली सरकार सब ठीक कर पाए तभी कर पाए। बिना ब्रिक मॉर्टर का एक ऑफिस क्लेम करते हुए एक कंपनी अपने आप को रजिस्टर करा रही है, हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो मोदी जी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को तो आंख दिखाने में एक मिनट नहीं लगा था, और जो देश का इतना करोड़ों को लूटकर भाग गए उनके प्रति बड़ा रहम दिल है। क्या हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को यह जानकारी नहीं? क्या हमारी इंटेल एजेंसीज को यह जानकारी नहीं है? क्या जानकारी है लेकिन इनको चुप रहने को कहा गया? आप लुकआउट नोटिस, इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस, मोदी गवर्नमेंट बार बार कहती है हमने मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल को यह कर दिया, रेड कॉर्नर, लुकआउट, सारे तमाम नोटिस इसके बारे में बताते रहते हैं। फिर आपने जो हमने आपकी पीठ पर थपाई, हमने भी कहा आपने अच्छा किया, क्रिश्चियन मिशेल को तो आप ले आए, वो किसी और देश का नागरिक था, कहीं और आपको पकड़ा, आपने उसको पकड़ लिया और ले आए, बड़ा अच्छा किया, इनका क्या हो रहा है? रेड कॉर्नर नोटिस है, लुकआउट नोटिस है, फिर भी वो कंपनी रजिस्टर करा देते हैं। कल ही आपने देखा नीरव मोदी भी घूम रहे हैं लंदन में, क्या ये कोइंसिडेंस है कि जिस दिन आपको नीरव मोदी दिख रहे हैं लंदन में उसके एक दिन दो दिन पहले मेहुल चौकसी एक कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं लंदन ही में, और पत्रकार हमें बता रहे हैं हमारी सरकारों के बारे में कुछ सुना, नई जानकारियां सुनी। आज एक और सनसनीखेज खुलासा हो रहा है, भगोड़ों का साथ भगोड़ों का विकास, ये है मोदी जी का नारा, हर भगोड़े के हम और हर भगोड़ा हमारा। आपने कल देखा कि कैसे महंगे महंगे फ्लैट्स में महंगे महंगे जैकेट्स पहनने की घूम रहे थे नीरव मोदी जी लंदन की सड़कों पर। महंगे जैकेट पहनने का तो शौक किसी और को भी है, उनका भी नाम मोदी है। अब ये 3 दिन पहले आज से 7 तारीख को लंदन में एक कंपनी बनाई गई, ये उसके कागजात हैं। दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, द कंपनी इज कॉल्ड रेह वेंचर्स LLP, REH, रेह वेंचर्स LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसके मालिक ये किसने बनाई? ये बनाई है मेहुल चौकसी ने 7 मार्च 2019 को, आज है 10 मार्च, 3 दिन पहले लंदन में कार्डिफ में इन्होंने ये अप्लाई किया। एड्रेस इन्होंने वहां प्रपोज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस दिया है 7175 शेल्टन स्ट्रीट, कोविड गार्डन, लंदन। और उन्होंने अपना प्रिंसिपल एड्रेस, ये बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, प्रिंसिपल एड्रेस दिया मिलोनी जेम्स DMCC, जो गीतांजलि था अब उसका नाम मिलोनी है, मिलोनी जेम्स DMCC, 3G अल्मास टावर, जुमेरा लेक्स टावर्स, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये उन्होंने अपना प्रिंसिपल एड्रेस दिया, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि UAE से हमारी प्रत्यर्पण की संधि है, वी हैव एन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विद UAE। तो जब वो स्वयं बता रहे हैं कि उनका ये प्रिंसिपल एड्रेस जो मेरा लेक टावर्स का है, दुबई का है, UAE का है, भारत सरकार की एजेंसियां एंटीगुआ में क्यों एक्सट्रेडिशन की मांग कर रही है जहां से हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ही नहीं है? ये प्रयास क्या हो रहे हैं उनको बचाने के? वो इसी का एड्रेस जो परमानेंट को कहां के रहने वाले हैं, कहां के राष्ट्रीयता है, बेल्जियम की, बेल्जियम से भी हमारा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है,
प्रत्यर्पण संधि आपकी यूएई से है, उनका एड्रेस यूएई का है, वो उनकी राष्ट्रीयता बेल्जियम की बताते हैं, आपकी प्रत्यर्पण संधि वहां भी है, लेकिन आपने वहां एक्सट्रेडिशन की कोई कार्रवाई नहीं की। जहां कर सकते हो बेल्जियम में वहां आपने नहीं की, जहां आप कर सकते हो यूएई में वहां आपने नहीं की, जहां आपकी संधि नहीं है एंटीगुआ में और जहां के वो रहने वाले नहीं है वहां आपने कर दी। ये किसको मूर्ख बनाने की चेष्टा हो रही है, किसको बचाने की चेष्टा हो रही है? ये तो एकदम सब कुछ साफ हो जाता है इस एक जानकारी से। वो बता रहा है और बड़ी स्पष्ट तौर पे लंदन में खुलकर पब्लिक डोमेन में एक कागज ला रहा है, अपना एड्रेस बता रहा है। आपने तो कहा था आपने रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू कर रखा है, लंदन में वो सरेआम कंपनी रजिस्टर करा रहा है। क्या आपको ब्रिटिश एजेंसीज ने, अथॉरिटीज ने इसकी सूचना दी? और अगर नहीं दी, ये तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है। आपकी कैसे आपके कूटनीतिक संबंध हैं कि आपको ब्रिटिश हुकूमत बता नहीं दी? ये जानकारी हमारे और आपके पास आ गई, सरकारी एजेंसीज के पास नहीं आई। और अगर आपके पास ये जानकारी आई है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं और ग्रेट ब्रिटेन भी एक जिम्मेदार देश माना जाता है, अगर आपके पास ये जानकारी आई तो उस जानकारी का आपने क्या किया? ये तो तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। आप तो कहते हैं रेड कॉर्नर ऑफिस। आपकी गलती नंबर एक कि आपने उन देशों में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया नहीं शुरू की जिन देशों का एड्रेस वो स्वयं बताता है। आपकी गलती नंबर दो, आपने ऐसे देश में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जिसके साथ आपकी संधि ही नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं, क्या आप हम सबको मूर्ख बना रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं, या आप उनको बचा रहे हैं? गलती होने के बावजूद सरेआम कंपनियां बनाई जा रही हैं। आज तो चुनाव की भी घोषणा होनी है। चुनाव की घोषणा होने से कुछ चार दिन पहले, तीन दिन पहले, एक कंपनी जो कि एक शेल कंपनी है, इट डज नॉट हैव अ ब्रिक एंड मॉर्टर ऑफिस, इट्स अ शेल कंपनी, इंग्लैंड में बनाई जा रही है। आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है? किस कारण से ये बनाई जा रही है? ये किसको लाभ पहुंचाया जा रहा है? कौन इनको बचा रहा है? क्या वही व्यक्ति इनको बचा रहा है जिस व्यक्ति को ये लाभ पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं? आखिर वो महत्वपूर्ण ताकतवर शक्तिशाली व्यक्ति है कौन जो सरेआम इनको बचा रहा है? अब आपको मैंने उनकी तीन गलतियां बताई। मिलोनी जेम्स दुबई में, आपके तो यूएई से बड़े अच्छे संबंध हैं, आप तो अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं उन संबंधों को लेकर। मिलोनी जेम्स सरेआम जुमेरा लेक टावर्स से अपना व्यापार चला रहा है, आपने क्या कार्रवाई करने की मांग की यूएई से? डिड यू आस्क फॉर एनी एक्शन अगेंस्ट मिलोनी जेम्स विच इज रनिंग इट्स ऑपरेशन फ्रॉम दुबई, फ्रॉम यूएई, विथ अ कंट्री विथ हूम यू क्लेम यू हैव वेरी गुड डिप्लोमैटिक टाइज एंड यू कीप पैटिंग योर ओन बैक? द एंटायर कंट्री सॉ यू हगिंग द क्राउन प्रिंस सून आफ्टर पुलवामा।